नमस्कार, कर्नाटक चुनाव का माहौल क्या है ये जानने के लिए इन दिनों मैं बेंगलुरु में हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक चुनाव का अपने प्रचार का श्री गणेश कर दिया। अपनी शुरू की जनसभाओं में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर खूब जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा 91 मर्तबा ऐसा हो चुका है जब प्रधानमंत्री को कांग्रेस के लोगों ने अपशब्द कहे हैं और या उनका मजाक उड़ाया है, लेकिन वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। उनका इशारा हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की तरफ था। आज प्रधानमंत्री बेंगलुरु में रोड शो कर रहे हैं, अभी आपने देखा ही कि उन्होंने रोड शो किया है। तो मैं रोड शो शुरू होने से पहले क्या माहौल था और रोड शो के दौरान क्या माहौल रहा ये आपको दिखाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक अजीब सी स्थिति में कर्नाटक चुनाव में फंसी हुई है। उसके बहुत सारे नेता, तकरीबन 10 बड़े नेता चुनाव से पहले टिकटों के बंटवारे में नाराजगी को लेकर पार्टी छोड़ चुके हैं। बीजेपी के 14 बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी में भी करीब 17-18 बागी उम्मीदवार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दमदार और कद्दावर नेताओं ने पार्टी चुनाव से पहले छोड़ दी है। बहुत अच्छी खासी संख्या में वर्तमान विधायकों के टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी को बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन अब होगा क्या, क्योंकि पूरे कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की आस केवल मोदी मैजिक पर है, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे की उनको दरकार है। और अगर ज़मीन पर देखा जाए तो लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर के साथ 170-180 सीटों पर बहुत ज़बरदस्त है, और 35-40 सीटों पर जेडीएस भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होने से पहले जो सारी चीज़ें यहाँ तैयारी की जा रही है, वह यहाँ पर बेंगलुरु, उत्तर बेंगलुरु का ये इलाका है। आप सिक्योरिटी के इंतज़ाम देख लीजिए, हर तरफ यहाँ पर ज़बरदस्त सिक्योरिटी के इंतज़ाम है। प्रधानमंत्री रोड शो तो करते हैं, लेकिन उनके रोड शो को आयोजित कराने में स्थानीय पुलिस प्रशासन सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल जाते हैं। और ये जो माहौल आप देखिए, अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री इधर से अपना रोड शो शुरू करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव सिर्फ विधानसभा के चुनाव तक ही सीमित नहीं है, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये जो दक्षिण का गेटवे है कर्नाटक, दक्षिण का पहला राज्य कर्नाटक था जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते पर सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए और दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाने के लिए ये चुनाव उसके लिए करो या मरो का है। यहाँ पर ये देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता और कुछ आम लोग सड़क के दोनों किनारे जैसे रोड शो पर रहते हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ के कुछ लोगों से कोशिश करता हूँ, माहौल क्या है, मैं हिंदी में कोई बात करने वाला है और नहीं भी है तो मैं आपको इस रोड शो के दौरान का पूरा माहौल दिखाता हूँ। तो जहाँ से प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ वहीं पर मुझे कन्नड़ा फिल्मों और टीवी की एक्ट्रेस मिल गई। इनको लोगों ने घेरा हुआ था तो मुझे लग गया कि कोई शख्सियत ऐसी है जिसको लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। पूर्णिमा। तो आप प्रोफेशन, हमें सब आद्या बोलते हैं, बेसिकली लाइक माय रियल नेम इज पूर्णिमा। तो आप फिल्मों और टीवी दोनों में काम? हाँ जी। आजकल फिल्मों वाले लोग, चल बड़ी सारे फिल्मों वाले लोग आजकल सियासत में भी खूब आ रहे हैं। हाँ जरूर। हाँ जी, आपकी क्या ख्वाहिश है? हाँ, मेरी मम्मी एक्चुअली ऑलमोस्ट 15 ईयर से बीजेपी के लिए वर्क कर रहे हैं। सो उसको देख के मुझे भी लगा कि अरे यार, मुझे भी लाइक रहना है, पॉलिटिक्स में रहना है, कुछ ना कुछ करना है। लाइक इंडस्ट्री इज सेपरेट, सिनेमा इंडस्ट्री इज डिफरेंट, बट ये जो पॉलिटिकल फील्ड है ना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। हम उधर जाते हैं, मेकअप लगाते हैं, रेडी एक्शन कट बोल देता है, दैट इज़ डिफरेंट। बट इधर लोगों के साथ जाके मिलजुल के काम करना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। और हमारे इधर का MLA है SR विश्वनाथ सर, तो वो इतना लोगों को जो वो देते हैं ना, लाइक
काम करने का तरीका उसका एंड सबके साथ मिलजुलना एंड ही इज़ वेरी गुड बाय नेचर एंड ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ. सो उनको देख के मुझे लगा अरे यार मुझे भी करना है, मुझे भी इन्वॉल्व होना है पॉलिटिक्स में करके. सो वो देख के जब भी मुझे लाइक मोदी जी के बारे में मैं देखी और टीवी में आता था न्यूज़ और वो जो बात करने का तरीका भाइयों और बहनों, अरे यार मुझे तो मेरा दिल में इतना अंदर घुस गया ना पता नहीं. एंड वो जो एक प्रोफाइल में मेरे दादी जैसे दिखती है वो पता नहीं मेरे ग्रैंडफादर जैसे दिखते हो. एंड जो इधर के लोगों को उतना उन काम के बारे में उतना पता नहीं है शायद, बट वो जो यूपी के साइड में परसों भी मैं एक लेडी से मिली थी वो जो बोल रही थी यूपी में हमारा इतना बहुत प्रॉब्लम था लाइक पानी का रास्ते का जो भी है, मोदी जी इतना हेल्प किए हैं उन खुद वो आके उधर हेल्प किया. एक बात आप बताओ कि अभी चुनाव लड़ना चाहोगे आगे अगर भगवान दिया तो? और दूसरी बात बीजेपी यहाँ जो कर्नाटका की है कहा जा रहा है कि बहुत टफ फाइट में फंसी है. हाँ, और बहुत टफ है लेकिन इधर जो हमारे बस ये मोदी जी पर ही आस है, मोदी मैजिक पर. हाँ, मोदी मैजिक है और हमारे तो यहाँ के नेताओं में बड़ी दिक्कत है. नहीं नहीं नहीं, हमारे एसआर विश्वनाथ सर बहुत अच्छा काम. अरे इस एमएलए आईन एमएलए की बात नहीं कर रहा हूँ जो पूरे. हाँ, मोदी जी का मैजिक चलता है. चला तो ठीक. एमएम मोदी जी मैजिक चला तो ठीक है, नहीं चला तो फिर नहीं. ऐसे नहीं बोलते है, चलेगा 101% चलेगा मोदी जी का मैजिक. तो ये साड़ी भी मैं देख रहा हूँ आपने तो पूरा बीजेपी है ये साड़ी में, पूरे मोदी जी है. ऑलमोस्ट 60 मोदी जी के पिक्चर्स है इसमें फेस का. ये किसने बनवाई? मैंने तो बहुत ट्राई किया ये साड़ी को लाइक उधर देने के लिए, बट मुझे मेरी गुड लक से मिला, अमेजोन में मिला ये साड़ी. लाइक आई फेल वेरी हैप्पी अबाउट दिस साड़ी. ये मैंने ऑलमोस्ट 1 year से मैंने. एक बात बताऊँ मैं, ये साड़ी बनवाई गई है 2024 के इलेक्शन के लिए. पूछे कैसे यार? अरे यार नहीं बता रहा हूँ मैं. बताइए. ये अब की बार 400 पार. 400 पार, हाँ. बता दिया आपने. तो ये अब की बार 400 पार जो इसमें लिखा है. एंड इसमें मोदी जी जो काम किए है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो सब है इधर. सब है उनका जो भी है. कहाँ कहाँ फाइट करेंगे. 2023 का कर्नाटका का इलेक्शन है, 224 विधानसभा की सीटें, अब की बार 400 पार की साड़ी तैयार हो गई 2024 के लिए. तो अब यहाँ देखिए तैयारी हो रही है. मैं जरा कुछ और लोगों से एक बात बताइए, आपको क्या लगता है जेडीएस किंग मेकर बनेगा क्या? बीजेपी, सिर्फ बीजेपी, नो जेडीएस नो कांग्रेस. बात ही नहीं आता है जेडीएस का. जो बीजेपी छोड़ के चले गए बहुत लोग, वो लोगों को अकल नहीं है सर, इसलिए गए हैं. जब भी अकल आता है वापस आते हैं. ये हमारा क्या है, मातृ है, अम्मा है, अम्मा को छोड़ के कोई जाता है क्या? आते हैं. एंड थैंक यू सो मच.